तैयारी बहुत जोर शोर के साथ हो रही है। कोशिश हमारी ये है कि मस्जिद का काम मुकम्मल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह बेसमेंट जो है मस्जिद का वो कम्प्लीट हो चुका है और आप ये खूबसूरत नज़ारा मस्जिद का देख सकते हैं। माशाल्लाह बल्ब्स की जगमगाहट और संगमरमर और दीवार पर खूबसूरत टाइल लगा हुआ है तो बहुत ही ज़बरदस्त लुक आता है। और जब ये आवाज़ गूंजनी होती है तो कुरान पढ़ने का बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आता है। तो मेरा दिल हो रहा था कि मैं सूरह फातिहा पढ़ूँ, तो चलें आपको सूरह फातिहा सुनाता हूँ। जब मैं ऐसी आवाज़ टकराते हुए गूंजते हुए जब मैं कहीं भी ऐसी जगह देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि चीख के कुरान पढ़ा जाए, बुलंद आवाज के साथ कुरान पढ़ा जाए, क्योंकि अलग ही मजा है सन्नाटे में कुरान पढ़ने का। अऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम हो जाती है तो नीचे का एकदम फ्रेश हो जाएगा और बहुत चांसेस है कि नमाज इंशाल्लाह तो तरावी वगैरह ऊपर ही होगी और एहतिकाफ में भी लोग ऊपर ही बैठेंगे। मेरी इस बार नियत है मैं इंशाल्लाह एहतिकाफ में बैठूंगा, दादा भी बैठेंगे, वाले साहब भी बैठेंगे और अल्लाह ने चाहा तो और भी उलमाए इकराम और बहुत सारे हज़रात इस बार एहतिकाफ में इस मस्जिद में बैठने वाले हैं। ये इस मस्जिद की दूसरी तरावी है और दूसरा ही रमज़ान है। अस्सलामु अलैकुम।